संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती हर साल 14 अप्रैल को देश भर में मनाई जाती है। बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धा रखने वालों का हुजूम लखनऊ में देखने को मिला, जिसके कारण आमजन को अतिक्रमण भी देखने को मिला। लखनऊ पार्क में आए लोगों में काफी उल्लास भी देखने को मिला। ऐसे में लखनऊ के अम्बेडकर पार्क में आए लोगों का कहना है कि बाबा साहब देश के ऐसे शख्स थे जिनकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। उन्होंने भारत की आजादी के बाद देश के संविधान के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दिया। बाबा साहब ने हमेशा से कमजोर और पिछड़े वर्ग के अधिकारों के लिए काम किया है। अन्य पिछड़ा वर्ग, दलित समाज या वो जो अम्बेडकर को मानता है, खासतौर से यहाँ पे लखनऊ में एक बहुत बड़ा बौद्धिक क्रांति का मेला समझिए। बाबा साहब का जब जन्म हुआ था उसी समय से जो है एक बौद्धिक क्रांति हुई थी और ये क्रांति आगे तक चलती रहेगी। और चाहे वो नारी के मुक्तिदाता के रूप में उनको बाबा साहब को याद करिए, चाहे समानता के बारे में याद करिए, हर क्षेत्र में बाबा साहब ने योगदान किया है। लेकिन ख़ास तौर से जो तबका देश में वंचित रहा है उसके लिए निश्चित रूप से ये जीवनदायिनी है। बाबा साहब का बार बार एक तरह से हम लोगों के आत्मा में बार बार बाबा साहब का नाम आता रहेगा और हम लोग आजीवन बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और समतामूलक समाज बना करके सबके साथ सबके बात और सबका हित की बात हम लोग करेंगे। और हम हर साल यहाँ पंडाल सचिवालय संघ की ओर से माननीय श्री अर्जुन देव भारती जी और सचिवालय संघ के और सचिवालय के सभी समीक्षा अधिकारी कर्मचारी अधिकारियों का सहयोग रखता है और हम लोग व्यक्तिगत भी प्रयास करते हैं और इसको निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। देखिए, भारत के दलितों में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रति श्रद्धा का जो सवाल है वो ठीक ऐसे ही है जैसे सूरज को दिया दिखाना। डॉक्टर अंबेडकर एक प्रमाणित विचारधारा हैं, स्वयं सिद्ध विचारधारा हैं और भारत के जो दलित और पिछड़ा समाज है आज वो निर्विवाद रूप से उनको अपना मसीहा मानता है, अपना मुक्तिदाता मानता है और वो ये मान के चलता है कि आज हमारे जीवन में जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक बदलाव आया है उसके पीछे केवल बाबा साहब का योगदान, उनका जीवन और उनका संघर्ष है। इसलिए आज 14 अप्रैल देश के दलितों के लिए, देश के पिछड़ों के लिए और देश के वंचितों के लिए एक त्यौहार की तरह है, एक मोमेंट की तरह है। और हर बार ये त्यौहार या उनका जन्मदिन एक संदेश देता है कि आपकी मुक्ति डॉक्टर अंबेडकर के बताए रास्ते से, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो से ही हो सकती है, अदरवाइज आपके पास कोई रास्ता नहीं है। इसलिए आज बाबा साहब एक दलित चेतना के, पिछड़े वर्ग चेतना के प्रतीक हैं और इसी रूप में हम लोग ये कार्यक्रम यहाँ लखनऊ में बाबा साहब के अंबेडकर पार्क के सामने करते हैं।